हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट का। समझ लीजिए ये फर्स्ट क्लास ही है यूपी टेट का। इससे पहले मैंने आपको यूपी टेट का सिलेबस बताया है, तो अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उस पार्ट को देखिए, क्योंकि उस पार्ट से ना आपको ये पता चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है। ओके, हम लोग मैथ्स का पोर्शन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और हम बता दें आपको, जो मेरा सुबह का 5 बजे डेली आपको करंट अफेयर का जो लेक्चर मिलेगा ना, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें वो सारे मुद्दे क्लियर कर लिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट, बहुत ही ज़रूरी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यूँ तो करंट में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन जो मेन पोर्शन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद ही होना चाहिए, वो आप पढ़ना चाहिए। ओके, ठीक। तो चलिए अपना क्लास ये स्टार्ट करते हैं आज से। बिल्कुल इसको एकदम से कैसे ले चलेंगे, बिल्कुल एक मतलब लो लेवल से लेंगे और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। धीरे धीरे आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम लोगों की तैयारी क्या इतनी भी बेहतर हो सकती है। हाँ, जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल नहीं है वो भी इसको ध्यान से देखें। 1x1 पार्ट देखना, मेरा पहला लेक्चर देखना, दूसरा देखना, तीसरा देखना, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही आपके जो माइंड में चेंजेज आते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। बहुत ही छोटी सी हम संख्याओं से लेकर बात शुरू करेंगे, जैसा कि आपका पहला चैप्टर ही है संख्याओं, संख्याओं पर आधारित जोड़ घटा गुणा भाग, ये सिलेबस जरूर समझना जाके। ओके, तो आइए हम लोग सीखते हैं अपना जो क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ये 10 अंक। 10 अंक ये क्या है? 10 अंक समझते हैं आप। पहले आएगा 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपके टोटल कितने अंक हो गए? 10 अंक हो गए। और इन्हीं दस अंकों से विश्व की जितनी भी, संसार की जितनी भी संख्याएं हैं, इन्हीं अंकों से निर्माण हुई हैं। ओके, ये 0 की खोज आप जानते हैं किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। ये भारत से बिलोंग करते हैं, इंडियन। 0 की खोज, आप ये गाना भी है, 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओके, एक रामानुजन थे, उनको भी मैथ्स में बहुत योगदान है उनका, तो वो भी इंडियन ही थे। आइए, अच्छा, इनसे आपको बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। उन संख्याओं में आपको यूँ लिखना पड़ता है, निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखिए, या इनको शब्द में दे रखा होगा फिर कहेंगे इनको अंकों में लिखिए। ये एक क्वेश्चन बनता है आपका बहुत छोटे सिलेबस से। ओके, तो देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ये जो संख्याएं लिखी होती हैं पीछे से पढ़ी जाती हैं, जैसे इकाई, ठीक है, फिर ऐसे पढ़ते हैं दहाई, फिर ऐसे पढ़ते हैं सैकड़ा यानी कि 100 में, फिर हजार, फिर 10,000, ऐसे करके चलते हैं। फिर इधर बढ़ेंगे लाख, फिर 10 लाख, ऐसे करके बढ़ेंगे आप करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके बढ़ते रहेंगे। तो इन चीज़ों को भी आप देख लेना, ठीक है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया हुआ है कि निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखिए। आइए देखते हैं, तो इसको इधर से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख में पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे 67 लाख, सड़सठ लाख। फिर आपको देखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 67 लाख तो हो गया है, 10,000 में आ गया। फिर इधर क्या पढ़ना है हमको, 10,000 तो है नहीं यहाँ पर क्योंकि 5,000 है, तो इसको पढ़ेंगे 5,000। फिर पढ़ेंगे 700, फिर यहाँ पर 25-30 ऐसा तो कुछ है नहीं, केवल 5 है, फिर 705 लिख देंगे, ये आपका रहेगा। ओके, तो इस चीज़ को भी आप समझना, क्योंकि यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है कई बार, छोटी सी बहुत भाई यूपी टेट है ना, प्राइमरी लेवल है, इन बच्चों को पढ़ाना होता है, तो ऐसे कई बार पूछ भी लेते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है ये, ठीक। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आइए फिर इसको देख लेते हैं, काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो फिर इसको पढ़ेंगे 80 लाख, 80 लाख। 80 लाख के बाद यहाँ देखो 75,000 है,
75,000 के बाद देखो 601 है, 601। तो ये रहा आपका, आप समझते हैं कि यहाँ पर हमने इसको डिनोट कर लिया। अब इसमें हमने इसको क्या कर लिया, शब्दों में लिख लिया, जब अंकों में दिया गया तो शब्दों में लिख लिया। अच्छा, यही चीज़ अगर हम शब्दों में ले दें, ऐसे दें क्वेश्चन, तो जस्ट इसका इन्वर्स भी ऐसे ही लिखा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जिसे आपको यहाँ से लिखना होता, मान लेते हैं ये क्वेश्चन भूल जाए हम लोग, यहाँ पर नहीं दिया गया, फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे 67 लाख, तो 67 लाख बनाना है तो तुरंत 67 लिखो, 67 लाख हो गया। फिर 5,000, आप जानते हैं 67 लाख ये कैसे बने होंगे, पहले 10,000 आया होगा, फिर लाख आया होगा, फिर 10 लाख आया, तो 67 लाख हो गया। फिर इसके बाद 10,000 का नंबर है, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं 5,000, इसका मतलब यहाँ पर जीरो है 5,000। फिर 700 लिख लिया, 705, देखो 700 के बाद में 5 ऐसे लिख लिया, तो ये ऐसे इन्वर्स भी लिख लिया जाएगा। इस चीज़ को आप समझ जाएंगे, ओके। अच्छा, फिर आता है आपका स्थानीय मान और जाति मान, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्थानीय मान जाति मान तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होता कुछ नहीं है, बस एक क्वेश्चन बनने का यहाँ से चांस है स्थानीय मान और जाति मान से। देखो स्थानीय मान क्या होते हैं, जाति मान क्या होते हैं, जैसे एक हम संख्या लिखते हैं कोई भी, 1, 7, 8, 2, 5, 4, 0, 3, 7। अगर हमने यहाँ पर पूछा बताओ 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आप ये यूँ करेंगे, 5 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, इसके जितने पीछे अंक हैं उतने ही जीरो लगा देंगे, क्योंकि 5 लिखा, 1, 2, 3, 4, चार संख्याएं छुट्टी तो 4 जीरो लगाना है, बस यही इसका क्या है, स्थानीय मान है, ये इसका स्थानीय मान आएगा। अगर आपसे पूछते जाति मान तो इसका 5 ही रहता, अगर 5 का जाति मान पूछेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 का जाति मान कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, 5 का जाति मान 5। अगर आपसे यूं पूछ लें क्वेश्चन कि स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताइए, तो भी आप बता देंगे, तो 5 ये 50,000 हो गए, 50,000 में से 5 घटा देंगे तो आपका कितना 49,995 बच जाएगा। तो कई बार ये स्थानीय मान और जाति मान में अंतर पूछते हैं एक ही संख्या का। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें, अगर मुझे 4 का स्थानीय मान तो 4 लिखेंगे, 1, 2, 3, 0 लिख देंगे, लेकिन अगर 4 का जाति मान पूछें तो ये 4 का जाति मान यही 4 ही होगा, लेकिन अगर 0 का स्थानीय मान तो 0 रहेगा, और जैसे 0 लिखा, 0 पीछे 1, 2 संख्या है तो लगाओगे तो 0 आएगा। अच्छा, 0 का जाति मान वो भी 0 रहेगा, ये चीज़ आप देख लीजिए, ओके। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है, स्थानीय मान और जाति मान। आप बने रहिए साथ ही साथ, लास्ट में हम लोग कुछ आपसे क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चनायर होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली वैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन उठने की संभावना रहेगी, ऐसे क्वेश्चन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उठा देते हैं, देखिए अब ये पर हमने लिखी है संख्याएं। अब संख्याएं, ये संख्याएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं वो आप सभी लोगों को पता है, क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी, ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। फिर आपको सम संख्याओं की बात कर लें, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके, ये भी कहाँ, इनफाइनाइट तक। विषम संख्याओं की बात कर लें तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे इनफाइनाइट तक। अभाज्य संख्याओं की बात कर लें तो अभाज्य संख्या पहली क्या होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ऐसे करके चलती रहेंगी, इनका कोई नियम नहीं है। सहभाज्य, अब देख लीजिए इनके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है, जो गिनने के काम आए, आप यूँ कह सकते हैं जो गिनने के काम आ जाएंगे, ये प्राकृतिक संख्या होंगी, प्राकृतिक संख्या गिनने के काम आती हैं। जैसे आप लोग कोई चीज़ गिनते हैं तो फिर कैसे गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके गिनना स्टार्ट करते हैं ना, ये प्राकृतिक संख्याएँ हो जाती हैं। फिर अगर हम बात कर लें सम संख्याएँ, सम संख्याएँ कौन सी होती हैं, ध्यान दें सम संख्याएँ वे संख्याएँ होंगी, कोई पूछे सम संख्याएँ कौन, तो 2, 4, 6, 8 नहीं बताना है, आप कहना कि सम संख्याएँ वो संख्याएँ होंगी जो 2 से कट जाएँ। फिर जब वो कहे कि जैसे, तब कहो 2, 4, 6, 8, 10 कहे रुक जाओ तो रुक जाना, ये चीज़ है, ये सम संख्याएँ। अगर कहें विषम संख्याएँ तो कहोगे आप विषम संख्याएँ वे संख्याएँ होंगी जो 2 से नहीं कटती हैं। जैसे विषम संख्याएँ कौन सी 2 से नहीं कटती, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया ये वाली संख्याएँ, ओके। अच्छा, फिर अभाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ बहुत इंपॉर्टेंट है,
अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो एक को छोड़कर किसी अन्य से नहीं कटेंगी। एक को छोड़ दीजिए, किसी अन्य से नहीं कटेंगी। जैसे दो है वो दो से ही कटेगा, तीन है तो तीन से ही कटेगा, पाँच है तो पाँच से ही कटेगा, सात है तो सात से ही कटेगा। इसका मतलब ऐसी संख्या है और इनका कोई रूल नहीं है कि एक नियम से आगे बढ़ेंगी। आप देख रहे हो कि ये एक तीन चार एक एक करके आगे बढ़ रही हैं, दो दो करके ये भी दो दो करके आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इनका कोई नियम नहीं। पहले एक बढ़ा, फिर दो, फिर चार बढ़ गए, फिर दो बढ़ गए, फिर चार बढ़ गए, अब आगे पता नहीं कितने बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है, इनका कोई रूल नहीं है। अच्छा, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो आपस में ना कटें, जैसे तीन और पाँच, ये सहअभाज्य हैं जो आपस में ना कटें, जैसे पाँच और सात, जैसे सात और नौ। देखो नौ कट जाता है लेकिन ये सात से नहीं कटता है। सहअभाज्य का मतलब होता है सह मतलब होता है साथ साथ, अभाज्य मतलब जो कटे ना, जो साथ साथ में वो कटे ना, ठीक है। फिर जैसे कोई संख्या ले ले तो नौ तेरह, ये नहीं कटती है। जैसे आप ले सकते हैं आठ और नौ, ये भी सहअभाज्य है, ओके, ये आपस में नहीं कटती हैं। तो ये वो संख्याएं, ये संख्याओं के बारे में हमें जानकारी लेना अति आवश्यक था। इनको जोड़ना घटाना का नियम भी चलता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। देखो प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग यहीं पर बता देते हैं, एक बार और बता देंगे आपको। प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n, n प्लस वन बाई टू, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। सम संख्याओं का योग क्या है? n इंटू n प्लस वन। विषम संख्याओं का योग क्या है? n स्क्वायर। अच्छा, इनका योग क्या है? इनका योग कोई नहीं है, इनका कोई फार्मूला नहीं है। इनका प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि एक से पचास तक की संख्याओं को जोड़ के बताओ, तो एक से पचास तक की, एक से पचास तक जब आप जोड़ेंगे, एक से पचास तक, तो पता है n का मान कितना लेंगे? पचास। तो यहाँ रखोगे पचास, पचास और इक्यावन बटे में दो। अब पचास से काट देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? पच्चीस। तो यहाँ पढ़ा पड़ेंगे पच्चीस से कम, पच्चीस के पाँच, पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस और दो, भाई पच्चीस से कम पच्चीस, हंसी लगे थे दो, पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस और दो एक सौ सत्ताईस, तो ये बारह पचहत्तर इसका आंसर आएगा। अगर हम पूछें आपसे कि सम संख्याओं का योग बताइए, पचास तक की सम संख्याओं का योगफल, अब थोड़ा आपको ध्यान देने की वाली बात है, क्योंकि इनका पता है दो चार छः आठ दस, ऐसे कहाँ तक? पचास तक। अब आप देख रहे हैं तो यन का मान यहाँ पचास तो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं एक नहीं है, तीन नहीं है, पाँच नहीं है, सात नहीं है, ऐसे करके जो नहीं है। अब कितने नहीं हैं? तो आप ध्यान रखें, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। तो यहाँ पर आप पचास का आधा कर लेंगे तो यन का मान पता है, यन का मान कैसे आएगा? डिवाइड करके, पचास का आधा यन का मान आ गया पच्चीस। अब यहाँ रखो इस वाले फार्मूले, तो पच्चीस और पच्चीस में जोड़ा छब्बीस, भाई यन का मान पच्चीस आ गया। कैसे आ गया पच्चीस? क्योंकि आधी सम है और आधी विषम है। इसको हम एक बार और डिटेल में ले लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आपको संख्याओं से रूबरू करा रहे हैं, बस इतना है। तो आ गया साथ साथ में कॉन्सेप्ट, तो हम बता देते हैं एक बार फिर से बता देंगे, तो आपका डबल हो जाएगा, लेकिन समझना ध्यान से। कह रहे हैं पचास तक हैं, आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। अगर पूछा जाए पचास तक कितनी संख्याएं हैं, तो कहोगे पच्चीस। आप देख सकते हैं गायब हैं संख्याएं, तो यन का मान पच्चीस आ गया, पच्चीस और एक छब्बीस यहाँ फार्मूले से, तो पच्चीस एक का डेढ़ सौ, पच्चीस दूना पचास और हाँ से लगे थे पंद्रह पैंसठ, तो यहाँ पर छः सौ पचास हो जाएगा इन संख्याओं का योग। फिर विषम संख्याओं का, एक से पचास तक की विषम संख्याओं को पूछें तो वो भी पच्चीस हो जाएंगी। तो यन का मान पच्चीस आ गया, तो पच्चीस का वर्ग कितना? छः सौ पच्चीस। अब आप देख लें, छः सौ पच्चीस और छः सौ पचास, बारह सौ पचहत्तर हो जाएगा, ये देखो टोटल हो भी गया, ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्याओं के बारे में हम आपको बता दें, अगर कोई पूछे कि एक से पचास तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, एक से पचास तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, तो वो पंद्रह हैं। एक से पचास तक की कितनी अभाज्य संख्या है? वो पंद्रह है। अगर हम पूछे पचास से सौ तक, तो दस हैं। कितनी है? दस संख्या है। अगर हम पूछ लें एक से सौ तक, तो आप बताएंगे पंद्रह और दस पच्चीस। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप ध्यान दें कि जो जितनी संख्याएं हैं ना, अभाज्य वाली संख्याएं, ये आप लोग एक बार अपने पेपर पेन एंड कॉपी पर लिखो, बिल्कुल देखो नोट करते रहना, एक बुक बना लेना मैथ की, इसको सीरियल से नोट करते रहना जैसा भी हम बता रहे हैं। और हम आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इस बार हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, ये बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है ऐसे पीडीएफ में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको नोट तो करना ही है। पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम जो लोग चलाते हैं उनके लिए टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पर। और वहाँ पे क्या सर्च करना है, हाईवे
क्लासेस बिना स्पेस के, हाईवे यहाँ स्पेस नहीं देना, बिना स्पेस हाईवे क्लासेस सर्च करेंगे तो आपका टेलीग्राम आएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ से आप पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं। और ध्यान दें, जो वो लोग नए आए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आइए, तो ये चीज़ थी, इतना मैंने शॉर्टकट में यहाँ पर आपको बताया। हो सकता है फिर से मैं केवल हमारा यहाँ पर काम था भी संख्याओं के बारे में आपको रूबरू कराना। फिर आइए देख लेते हैं संख्याओं को हम लोग जोड़ घटाना ये सब कुछ सीखेंगे। इससे पहले हम लोग वर्ग सीख लेते हैं, क्योंकि वर्ग ना वर्ग सीखने के बाद में कुछ ऐसे तरीके आएंगे जो वहाँ पर वर्ग का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इसलिए हम आपको वर्ग पहले सिखा रहे हैं। देखो वर्ग कैसे करना है। वर्ग करने के लिए आप क्या करें कि एक फार्मूला ध्यान रखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है। आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वैसे भी पढ़ लो, लेकिन ये बुक में लिखा होता है ऐसे ही लिखा होता है। तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ हम प्लस हटा के ये अब्लिक टाइप में साइन लगाते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं हटा के, यहाँ भी हटा सकते हैं। तो इसका मतलब कोई संख्या है उसको ए और बी के पार्ट में डिवाइड करिए और उसका वर्ग करना है। उसका वर्ग करना है तो हम लोग कोई भी संख्या लिखते हैं, गुणा भाग जो भी करते हैं, गुणा करते हैं वो पीछे से करते हैं, जोड़ते भी पीछे से ही हैं। तो ऐसे ध्यान रखना है, पीछे से हमको इस फॉर्मूले को याद रखना है, बी स्क्वायर टू ए बी ए स्क्वायर। कैसे, फिर से कहो इसको 10 से 12 बार कहो, बी स्क्वायर टू ए बी ए स्क्वायर। यहाँ ध्यान देखें ये 2 है पहले से ही फार्मूले में ही, और एक बार में एक ही संख्या नोट करनी है। ध्यान दें, बी स्क्वायर टू ए बी ए स्क्वायर, कई बार कहो इसको, बी स्क्वायर टू ए बी ए स्क्वायर। तो चलिए हम लोग वर्ग करना सीख लेते हैं। देखो जैसे हम लोगों को 35 का करना है, तो हमने 35 में एक ऑब्लिक टाइप से साइन लगाया। अब देखो ये काम किसका कर रहा है, ए का, और ये बी का कर रहा है। तो हम लोगों को पीछे से फार्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर यानी कि बी की जगह पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का 25 हासिल कितना 2, वो हम लोग लिख लेंगे। फिर देखो 2ab, देखो ये a है और ये b है, तो देखो पहले तो ab की गुणा करो और 2 अपने पास से गुणा करो, ये फार्मूले में है 2। तो ab यानी कि 5 या 15, 15 दूनी 30, और ये हासिल जोड़ना मत भूल जाना, 30 और 2 32 के 2 हासिल लग गए कितने 3। अब a स्क्वायर है तो a की जगह पर कितना है 3, 3 का वर्ग 3 या 9 और 3 12, ये इसका आंसर आएगा 1225। हम लोग फिर से घबराना कतई नहीं, आराम से आप सीख जाएंगे सारी चीज़ें, बस विधिवत ध्यान से देखते रहें। फिर से देखो हम लोग अब करते हैं 37 का स्क्वायर। तो आप देखो 37 का स्क्वायर b की जगह पर क्या है 7 है, तो 7 का वर्ग यानी कि b स्क्वायर पहले करते हैं, 7 का वर्ग कितना 49, 49 के 9 हासिल लगे 4। अच्छा ये 4 हासिल आप माइंड में भी याद रख सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर देखो 7 21, इन दोनों की गुणा 7 21 और 21 2 42, ये 2 कहाँ से आए यहाँ से, 21 2 42 और 4 46 के 6 हासिल लग गए फिर कितना 4। फिर देखो 3 3 9 और 4 13 1369, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा अगर आप ऐसे याद कर पाए तो। तरीका बहुत आसान है, सारी संख्याएं निकल जाएंगी, ये मास्टर मेथड होता है, ये मास्टर मेथड है। इसमें अभी हमने कोई ट्रिक जैसा नहीं है, मास्टर मेथड है, ट्रिक ही है, लेकिन ये ट्रिक की भी ट्रिक है, ये मास्टर ट्रिक है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप कोई भी संख्याओं का नंबर आसानी से कर सकते हैं स्क्वायर, बहुत ही आसानी से। फिर से हम लोग आइए देख लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं, आपकी बार हमने ली 24, तो 24 का स्क्वायर करना है, फिर हमने 2 4 की बार कर दिया। अब देखो b की जगह पर कितना है 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है 4 6 16 हासिल कितने लग गए 1। अब 4 2 8, 4 2 8, लेकिन ये 2 न मत भूल जाना, 4 2 8 2 16 और 1 हासिल था 17 के 7 हासिल लग गए फिर 1, तो 2 2 4 और 1 हासिल 5, तो इसका आंसर होगा 576, ये अपना आंसर रहेगा। आइए फिर सोच रहे होंगे बड़ा नहीं सर जी कर रहे हैं, तो आइए देखो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब की बात 83 का वर्ग करते हैं, देखो 83 के वर्ग करने में हम ऑब्लिक लगाने की कोई ज़रूरत है, अब तो आप सीख ही गए होंगे। तो ये 3 है, ये बी का काम करेगा, ये ए का काम करेगा, तो पहले होता है बी स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग कितना 9। अच्छा बताओ कोई हासिल है, तो हासिल है नहीं तो लगेगा नहीं, तो देखो 3 8 24, लेकिन ये डबल करना मत भूलना, 3 8 24 2 9 48, 48 के 8 हासिल लग गए 4, 8 8 64 और 4, 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, ये देखो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 83 का, अब आप किसी भी संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं, मैं आपको HW देता हूँ, यानी कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं किसका किसका सही आ जाएगा। HW में क्या है, आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका कमेंट हम लोगों को बताना है, कमेंट में कितने का, सबसे पहला एक सवाल है, आप हमें बताएंगे 76 का वर्ग कितना है, ये पहला है,
क्षेत्र का वर्ग आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आपको बताना है सिक्सटी थ्री का बताना है। ये दो वर्ग आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मैं आपके कमेंट सबके देखता हूँ और सबके रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इससे आगे भी हम लोग कुछ सीख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे, जैसे कोई संख्या ये दो अंकों की थी, अगर कोई संख्या तीन अंकों की हो, जैसे 103 का स्क्वायर करना हो, तो अगर आपको 103 का स्क्वायर करना है तो आप करें क्या, इसको दो भागों में डिवाइड कर दें। ये 10 जो है ए का काम करने लगेगा और बी जो है तीन का काम करने है। ध्यान रहे इधर वाली डिजिट बड़ी करना, ए वाला बड़ा करना, ठीक है, बी को छोटा करना। आप ऐसे 1/03 करोगे तो गलती हो सकती है। आप इधर करें, ए का मान ज़्यादा करें, ठीक है? तो फिर वही बात, ये बी है, ये ए है, तो बी का स्क्वायर यानी कि तीन का वर्ग कितना, 9। फिर देखो 3 दशमलव 30 और 30 × 60 हासिल तो था ही नहीं, इसलिए जीरो लग जाएंगे। हासिल अब है 60 के जीरो हासिल लग गया कितना, 6। अब 10 का वर्ग 100 और 100 और 6 106, ये अपना आंसर रहेगा। आप इसको कर सकते हैं आसानी से। एक और हम बता देंगे, जैसे 121, तो 121 कवर करना है, तो हमने 12 को अलग, 1 का अलग कर लिया, तो 1 कवर कितना होता है, 1 कवर होता है 1, तो यहाँ पर लिख लेना 1, ठीक। अब देखो, फिर देखो 12 × 1=12 24 के 4 हासिल कितने लग गए, 24 के 4 हासिल लग गया कितना, 2। 12 का वर्ग 144, 144 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 146, तो ये इसका आंसर रहा 14641। तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही डिजिट लिखना है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको HW दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताना है 109 का वर्ग क्या होगा, फिर आपको बताना है 112 का वर्ग क्या होगा। ये दोनों वर्ग आपको बताने हैं क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9935001225 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका वर्ग। तो आप आई होप ये वर्ग की कंडीशन जितनी भी थी आप इसको सीख पाए होंगे आसानी से। अच्छा चलिए अब देखते हैं कि आपको कुछ फार्मूले जो हैं वो आपको रटने पड़ेंगे। देखो वो जो आप आसानी से रट सकते हैं, जो कि बहुत ही 3, 4, 5 से ही आप उसको रटते आए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये देखो होता है। देखो जितना वर्क देना उसको याद करते रहना डे बाय डे, नहीं तो फिर समस्या आएगी एकदम से, फिर ज़्यादा कुछ सवाल हो जाएंगे या ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो जितना वर्क दें उसको डे बाय डे कंप्लीट करते रहना। फिर देखो a - b² क्या है, a² + b² - 2ab। फिर a + b³ क्या आ जाएगा, a³ + b³ + 3ab, फिर एक ब्रैकेट में a + b। फिर नेक्स्ट देखते हैं a - q क्या होगा, a - b³। तो ये हो जाएगा a³ - b³ - 3ab a - b। और है दो फार्मूले, a³ + b³ = क्या होते हैं, तो ये होता है a + b a² + b² - ab। अभी मैं थोड़ा रटाने का आपको प्रयास भी करूँगा। a³ - b³ का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a - b a² + b² + ab। देखो इतना तो आपको पहले क्लियर कर लेना है, पहले इतना तो आपको याद करना है। देखो कैसे, मैं आपको बता दूँ, ये सभी को आता है a + b² क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये भी सभी को आता है लगभग में, a² + b² - ध्यान दें अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाता है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ये जो
ये जो दो है ना ये इसके ऊपर आ गए, ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस का प्लस रहा, बी जो है बी के ऊपर ये दो आ गए तो बी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का प्लस रहा, ये टू यहाँ पर और ये ए और बी यहाँ पर आ गए, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए ऊपर आया, माइनस बी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का बी स्क्वायर आएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस नहीं आ पाया, प्लस आ गया। अब जब माइनस था माइनस लिखा, ए और बी की दोनों की गुणा की गई तो ए बी हो गया, टू तो ये वाले रहे। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी पैटर्न अपना सकते हैं, देखो ए क्यूब, ये क्यूब इसके ऊपर आ जाएगा, प्लस लगा दो, बी क्यूब और फिर तीन लिख दो, जैसे वहाँ दो लिखे थे ऐसे तीन लिख दो, फिर ए और बी लिख दो और पूरा ब्रैकेट उठा के यहाँ पर रख दो ए प्लस बी। सेम इसी प्रकार यहाँ पैटर्न अपनाना है, तो ए क्यूब, अब माइनस बी का क्यूब करोगे, माइनस बी का क्यूब करेंगे तो माइनस का बी बी क्यूब आएगा, माइनस बी क्यूब, फिर माइनस, फिर थ्री ए बी, फिर पूरा ब्रैकेट उठा के ऐसे रख दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है यानी कि इसके ऊपर तीन तीन घाते हैं, एक एक घात हटा, सबकी तीनों की घात हटा दो तो बचेगा क्या, ए प्लस बी, तो ये पूरा ब्रैकेट ए प्लस बी रख गया। अब एक एक घात हट गई तो बची कितनी कितनी घात, दो दो घात बची हैं, तो वो लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान बस इतना रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, बस इतना ध्यान रखना है इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, आप इसको खासकर ध्यान रखें, गलती ना हो इन दोनों में, ठीक है, तो इन दोनों में गलती नहीं होनी चाहिए। क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ये प्लस वाला पूछ रहे हैं तो यहाँ माइनस बताना, अच्छा पहला ब्रैकेट इसके अनुसार होगा, अगर यहाँ ए प्लस बी है तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, अंदर दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है ए प्लस बी है तो ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी है तो पहला ब्रैकेट ए माइनस बी, ध्यान इतना रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर करने हैं सभी को। अब जिन लोगों को याद नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए हम तरीका बताएं, इसको आप पाँच छः बार सात बार दस बार, और जब तक लिखना है तब तक याद ना हो जाए, लिखना जरूर, जिनको याद पक्का आज के आज तुरंत के तुरंत याद हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी मैं बता रहा हूँ, ओके, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड हैं, जो आपने सीखा अभी तक उनसे ही रिलेटेड हैं, और कुछ नई नई बातें भी आपको वहाँ से जानने को मिलेंगी, आइए तो उनको भी डिस्कस कर लें। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, देखिए सबसे पहले पूछ रहे हैं मैं, यानी कि ये क्वेश्चन है मैं, नौ का स्थानीय मान क्या होगा। अब नौ का स्थानीय मान पूछ रहे हैं, आप देखो इसमें नौ कहाँ पर है, तो आपने देखा यहाँ पर नौ है, तो ये नौ लिख लिया हमने, नौ के बाद में कितने अंक बच रहे हैं, एक दो तीन चार बच रहे हैं, तो कितने जीरो लगाओगे, चार, ये इसका आंसर होगा। अगर पूछते हैं नौ का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा, तो ये नौ लिखते, चार जीरो लगाए थे, इसमें से नौ घटा देते, अंतर पूछ रहे हैं तो नौ घटाते, घटाने के बाद जो भी आंसर होता फिर वो हम करते। फिर आगे देखिए, छः के स्थानीय मान एवं अंकीय मान का अंतर क्या होगा। अब देखो अंकीय मान कहो या जातीय मान कहो, बात यहाँ पर एक ही आएगी, स्थानीय मान अलग चीज़ है, अंकीय मान और जातीय मान बिल्कुल एक ही बातें होती है, तो अंकीय मान के लिए आप कन्फ्यूजन ना हो। तो छः के स्थानीय मान, छः का स्थानीय मान कितना आ रहेगा, छः, एक दो जीरो लगाओ, और इसका जातीय मान कितना होगा, छः, तो इसमें छः घटा दो, तो 600 में से छः घटाओगे तो आंसर आएगा 594, ये इसका आंसर रहेगा, ओके। फिर देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आप हमने बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो, ये इसका आंसर है। अगर आपसे यूँ पूछते कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप इसका आंसर क्या देते, तो इसका आप आंसर देते 25। अगर पूछा जाता 50 तक तो आप देते 15, अगर पूछा जाता 50 से 100 तक तो आप कितनी देते, तो आपका आंसर होता 10। और एक बात यह है कि आप क्या करेंगे, इन अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे, 1 से 100 तक लिखेंगे, और फिर काउंट करेंगे कि देखो 25 हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, अगर आपकी 25 नहीं हो रही हैं तो फिर देख लेना कहीं ना आपने कहीं ना कुछ गड़बड़ किया है इन संख्याओं को लिखे, क्योंकि सवाल कई बार कैसे आया है कि 30 से 50 तक की संख्याओं का योग बताइए, तो इनका कोई फार्मूला तो है नहीं, तो इनमें आपको याद ही करने पड़ेंगे, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर आपको समस्या आएगी, क्योंकि कई बार ऐसी संख्याएँ हैं जैसे 87 हो गया,
तो कई बार हम इसको अभाज्य संख्या में ले लेते हैं, जबकि ये कट जाता है, तीन दुनी छः और तीन नियम सत्ताईस, बचे दो, तीन नियम सत्ताईस, ये कट जाता है। तो ऐसी कई संख्याएं जो अभाज्य हैं वो भाज्य लगती हैं, जो भाज्य हैं वो अभाज्य लगती हैं। तो इन नियम कन्फ्यूजन, ये जब तक इनको पढ़ा नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या, अभी हमने बताई 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 10, ये इसका आंसर है। अगर 1 से 50 तक पहुँचते तो फिर कितनी होती, 15। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखो ये कई बार सवाल आया है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो ये क्या होगी, ये होगी चार अंकों की सबसे बड़ी, यानी कि 9 9 लिख लीजिए, उसको चार बार लिख दीजिए। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखिए और 0 लगा दीजिए, चार अंक हो जाए वहीं पर हो जाए, ये इसका दोनों का आंसर हो जाएगा। अगर इनमें हम पूछते चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, वो भी आप बता देते, बिल्कुल बता देते कि नहीं बता देते, बिल्कुल बता देते, ठीक है। फिर देखो सवाल क्या है, दशमिक प्रणाली में चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, अब बताने हैं कि चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ध्यान दें, चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, इसका आंसर तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 9999 ये क्या है, ये चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर यहाँ तक आपने बता दिया कि 9999 संख्याएं होंगी, तो ये आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि इसमें वो संख्याएं भी इंक्लूड हैं जो एक अंक की है, जो दो अंक की है, जो तीन अंक की है, लेकिन हमें कितनी चाहिए, कौन सी चाहिए, वो केवल चार अंकों की ही हो, चार अंकों की ही हो। तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, चार अंकों की कितनी संख्याएँ होती हैं, टोटल चार अंकों की तक की हम संख्याएं लिख लेते हैं, ये चार अंकों तक की जो संख्याएं हैं वो हमने लिख ली, कितनी है, 9999। फिर हम लोगों को इसमें घटा देना है, क्या घटा देना है, तीन अंकों की जितनी, तीन अंकों तक जितनी संख्याएं आ जाएं, तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये घटा दो, 9 में 9 हो गया 0, 9 में 9 हो गया 0, 9 में 9 हो गया 0, ये बचा क्या 9, तो ये 9000 संख्याएं ऐसी हैं जो चार अंकों की हैं। इतना आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये क्वेश्चन क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आपको ये घबरा के आंसर अपना 9999 लिख देना है, तीन अंकों की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है, देखो तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, फिर उसमें से दो अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाओ, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 900, कितनी संख्या है 900। अगर पूछा जाए दो अंकों की कितनी संख्या है, दो अंकों की, तो दो अंकों की संख्या ये लिखो, कितनी संख्या दो अंकों की, और जो एक अंक की है सबसे बड़ी वो घटा दो, तो 90 संख्या है दो अंकों की। आप ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, 100 तक जब हम लोग लिखते हैं, जो 100 है वो दो अंक थोड़ी है, वो तीन अंकों का है, तो दो अंक तक कहाँ तक रहता है संख्या 99, और एक अंक कहाँ तक रहता है 9 तक, फिर 9 तक हमने घटा दिया, तो बची कितनी 90, 90 कितने, 90 संख्याएं वो संख्याएं हैं जो दो अंकों की हैं। ये चीज़ अब आपको समझ में आ ही गया होगा ये क्वेश्चन। देखो फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं 80 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि 80 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हमें पता होनी चाहिए कौन सी हैं, जैसे 81 है, 81 तो अभाज्य संख्या नहीं है, फिर 82 भी नहीं है, लेकिन 83 है, 83 को जोड़ेंगे, 83 के बाद में 84 नहीं है, 85 भी नहीं है, 86 भी नहीं है, 87 भी नहीं है, अभी आपको दिखाया 87 कट जाती है, 88 भी नहीं है, फिर ये आपकी 88 के बाद क्या आएगी, 89 आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी, 89 के बाद में क्या 90 है, नहीं, 91 नहीं, 91 नहीं है, देखो 91 कितने से कटती है, 1391 कटता है कि नहीं कटता, बिल्कुल कटता है, तो 91 भी नहीं है, 92 93 नहीं है, देखो 93 तीन से कट जाएगा, 3 3 9 3 1 3, 94 95 96 97, इसको हमको लोग 97 को लेना पड़ेगा, 97 के बाद में फिर 98 99 100, ये कोई नहीं है, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ऐड करके आप हमें कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताना कितना हो रहा है, ओके। तो ये था अपना पहला लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर किए हैं, कुछ बातें शेयर की हैं, तो मैं आपके साथ पूरा एक एक घंटे का लेक्चर दूंगा, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी ही कवर हो जाए, एक एक घंटे का लेक्चर देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग एक विधिवत अपनी तैयारी को कर पाएँ। अच्छा ये जो मैंने मैटर पढ़ाया है ना, ये पूरे एक घंटे से ऊपर का है,
ओके क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप तो टू द पॉइंट बात बता रहे हैं, ना ही कोई हम लाइव में कमेंट किसी की देख रहे हैं कि कमेंट में हम ये बताने लगे कि आपका आंसर सही है आपका गलत, आप कितना दे रहे हैं ये वो, है ना। तो इसमें टाइम बहुत चला जाता है ना, आप समझदार हैं। ना ही यहाँ पर बीच में कोई चीज़ ऐसी की जा रही है, आप टू द पॉइंट केवल स्टडी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो फैक्ट बने उनको विधिवत आप कॉपी में नोट करिए और उसको समझिए। ओके ठीक है, पर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, और अपना प्यार हमें ऐसे ही दिखाना, ठीक है। जिन लोगों ने अपना लेक्चर शेयर किया था उनके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। मुझे पता रहता है कि कौन हमारा स्टूडेंट शेयर कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है, सारी चीज़ें हमें पता रहती हैं। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन हमें, अच्छा हमें सारी चीज़ें पता रहता है, सारे बच्चों के मैसेज भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं और जगह भी आते हैं, तो मुझे पता रहता है, कमेंट रहता है कौन बच्चा हमें ज़्यादा लाइक कर रहा है। उसको अगर जैसे आप सोचो कोई ज़्यादा प्रिय है तो उसको आप किसी भी प्रकार से हेल्प करने का प्रयास ही करोगे। तो ध्यान रखें, शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं हमें, तो हम आपके साथ और जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस कंप्लीट कराएं, फिर आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे इस बार। ओके थैंक यू।